तुमने वो लड़का देखा जो चेस कर रहा होता है, किसे चलता चाम ही अलग होता है, उसकी चर्बी लग गया था। एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। जितने भी हुकअप किए बॉयफ्रेंड को बता के किए, ठीक है। मैं बेवफा थी पर बेईमान ना थी। इस वक्त भारत करने गए थे, पूरे देश पे हक दिया सालों, क्या मुठ मारो स्टूडेंट्स ने। तितली की तरह ही और जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई। लिव इन रिलेशनशिप मतलब इतना मैं यार, मेरी बॉडी प्रेशर ले ली, मतलब मेरा बदन बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरे घुटने जवाब दे गए, मतलब मैं शौक में मैं जमीन पकड़ लिया, मतलब ऐसे प्रॉब्लम। एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। सामने वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। और वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है, मन में है इश्क तो है, और कितना वॉलेटाइल, इतना एक्शन से भरा होता है एक तरफा। तुमने वो लड़का देखा जो चेस कर रहा होता है, किसे चलता चाम ही अलग होता है, उसकी चर्बी लग गया था। मूव इन स्टेइंग टुगेदर लिव इन रिलेशनशिप मतलब इतना मैं यार, मेरी बॉडी प्रेशर ले ली, मेरी बॉडी मतलब मेरा बदन बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरे घुटने जवाब दे गए, मतलब मैं शौक में मैं जमीन पकड़ लिया, मतलब ऐसे प्रॉपरली मैं ऐसे बैठ गया, मैं जिस तरह से मैं सिर पकड़ लिया, मैंने अपने साथ हो रहा है क्या ये, मतलब मैं यकीन नहीं कर पाया अपनी लाइफ के मूवमेंट के बारे में, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले तक मैं टीवी पे रोडीज देख रहा था यार, मैं उस पर था कि मैंने कहा यार मैं तो आराम से जीत जाऊंगा, और ये कहा लिव इन यहाँ बंदी नहीं थी जिंदगी में, लिव इन। तो मैंने कहा am I the one who's living the American dream? तो मेरा दोस्त आया था नीचे के बैठा है, मैंने कहा देख यार तेरी भाभी ऐसा सा लगती, अबे उनसे बर्दाश्त नहीं, वो नीचे बैठ गया। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, गुजराती की एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ये लोग दिखाऊं क्यों बताऊं क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आता। उसी गुजराती फ्रेंड गया, मैं पिछले वीकेंड पे गया था, मुझे कहता है तेरे को पता है भाई मैं ना कल 3 शर्ट खरीद के लेके आया, बताऊं? मैंने कहा बता तो दिया तूने। नहीं कुछ और है नया बताने के लिए तो बताना भाई, कहता भाई 3 शर्ट नहीं है। मैंने कहा मेरा जो भी नया बनेगा इस पे। मैं उसकी साइड चिक से अनजान ना थी। मैं उसकी साइड चिक से अनजान ना थी, पर कन्फ्रंट करने की मुझ में जान ना थी। जितने भी हुकअप किए बॉयफ्रेंड को बता के किए, जितने भी हुकअप किए बॉयफ्रेंड को बता के किए, ठीक है। मैं बेवफा थी पर बेईमान ना थे। क्या बात है, स्टूडेंट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, यू नो स्टूडेंट्स गेम, मीम लेके पहुंच गए हम लोग, क्या नारे लग रहे, स्वच्छ भारत करने गए थे पूरे देश पे हक दिया सालों, क्या नारे लग रहे, अनप्रेडिक्टेबल। इवन मोदी जी इज कंफ्यूज, मोदी जी वहां पार्लियामेंट के बाहर नारे लग रहे, मोदी जी खड़ा है यार अमित क्या 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 बोल रहे, स्टूडेंट्स आए ना, डर लग रहा, स्टूडेंट्स क्या बोल रहे, क्या नारे लगा रहे, बोल रहे मुठ मारो स्टूडेंट्स नहीं। टाइम पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे, आज ये लोग मुठ मारो स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे। अच्छा तो क्या करें अब, सर हमें मुठ नहीं मारना चाहिए, वो नहीं, स्टूडेंट्स का क्या करें, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई। इसलिए शेर की वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई। बहुत मासूम लड़की है, कितनी बहुत, कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती, कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती, और हाँ सही बात है तो कहती है, देखिए बातचीत इनकी चालू हो चुकी है अब, ठीक है, कि हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती है।